एक तरफ बंगाल की बेटी की लड़ाई, बीजेपी का कहना है कि अपनी चोट पर वो सहानुभूति ले रही है, और दूसरी तरफ ममता का प्लांक कि ये बाहर के लोग हैं, टूरिस्ट गैंग है। लेकिन सवाल तो यह है कि लोकसभा आते आते इन्हीं सीटों पर जहां आज वोटिंग हो रही है, बीजेपी ने बाजी पलट दी थी। ग्रामीण बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, ये कितनी बड़ी चुनौती है आज की वोटिंग? देखिए, ग्रामीण और आदिवासी बेल्ट तो है ही, ये लेफ्ट के जमाने में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, इन लोगों ने ममता बनर्जी को ही वोट दिया है इस क्षेत्र में। जैसे आज 30 लोकसभा में बाजी क्यों पलटी? लोकसभा में क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था। वही मैं कह रही हूँ, क्या मोदी का करिश्मा? क्योंकि मोदी ने उस वक्त भी आकर उसी तरह से प्रचार किया था, और इस बार में तो चुनाव में तो वही है। नहीं देखिए, आज राज्य के चुनाव में मामला दूसरा होता है। राज्य के चुनाव में आप अगर लोकल चेहरे देते, अगर आपके पास में कोई बंगाल का नेता होता बीजेपी के पास में, तो शायद बीजेपी का कुछ उम्मीद होता। ठीक है, यही सवाल फॉरन लौट रही हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। शशि शेखर जी, आपके पास ये सवाल आते हुए, क्या शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, ये सब बंगाल के वो नेता साबित होंगे बीजेपी के लिए, जिसके बल बूते यहाँ के लोग इस बाहरी और टूरिस्ट वाले टैग को हटा सके? अजरा, अगर वो साबित हो रहे होते तो यकीनन उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनमें से किसी एक का नाम पेश किया जाता। लेकिन बीजेपी के पास दो ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र है चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी, अब तक आजमाया हुआ चेहरा, और पिछले 6 वर्ष के दौरान बीजेपी की सारी जो भी जीत और जो भी श्रेय है वो उनके हिस्से में जाता है। और दूसरा, अमित शाह की बहुत आक्रामक रणनीति, आप याद करें, आज से 5 साल पहले जब कोई इस चुनावों के बारे में नहीं सोच रहा था, और जब लोकसभा के चुनाव सबसे पहली प्रायोरिटी थे, तब बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को वहां पर तैनात कर दिया था, और उन्होंने लगभग वैसा ही संघर्ष किया जैसे कभी हमने ममता बनर्जी को संघर्ष करते हुए सड़कों पर देखा था वामपंथियों के खिलाफ। वो लड़े, वो अपमानित हुए, लेकिन वो खड़े रहे, और बीजेपी ने अपने सार्वदेशिक कार्यकर्ता नेटवर्क का बेहतरीन इसमें प्रयोग किया। दुनिया भर से उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर अपनी बातें रखी। भाषा की दिक्कतों के बावजूद ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने आज बीजेपी को लड़ाई की मुख्य धारा में खड़ा कर दिया है। हम 2019 की बात करते हैं, लेकिन अगर हम 2016 से कंपेयर करें तो 2016 में तो बीजेपी फाइट में ही नहीं थी, कुल 3 सीटें उन्होंने जीती थी, और आज वो 200 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अब आते हैं बंगाल के चुनाव के थोड़े से महीन विश्लेषण पर। भाजपा लड़ रही है मोदी के नाम पर, भाजपा लड़ रही है अपने विशाल संगठन और अपने संसाधनों के बूते पर, भाजपा लड़ रही है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, भाजपा लड़ रही है अल्पसंख्यकों बनाम बहुसंख्यकों के मुद्दे पर, भाजपा लड़ रही है कुछ ऐसी रणनीति के तहत जो अब तक अछूती थी। प्रधानमंत्री कल बांग्लादेश में थे, और वो जिन लोगों से मिले, जो भी उन्होंने किया, उसका असर बंगाल पर नहीं पड़ेगा, ये मानना थोड़ी बेवकूफी होगी। आपको याद होगा बिहार के इस चुनाव से पिछले वाले चुनाव में वो नेपाल चले गए थे और उन मंदिरों में दर्शन कर रहे थे, जब मैं आपके स्टूडियो में बैठा था आपके साथ, कि जब वोट पड़ रहे थे। तो बीजेपी कई तरह की रणनीतियों पर एक साथ काम करती है। मैं प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे को राजनीति नहीं कह रहा, लेकिन सहयोग राजनीति में बार बार। देखिए, जो बातें शशि जी तमाम कह रहे हैं, तौसीफ साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक चुनौती तो बन गई ना, एक विकल्प के रूप में बंगाल की जनता को बीजेपी ने दिखा दिया कि हम यहाँ पर है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, विकल्प है ही नहीं बंगाल में। अगर विकल्प होती तो बीजेपी के अपने नेता होते, वो तृणमूल से नेता क्यों लाते? आप शुभेंदु अधिकारी को ले आए, आप राजीव बनर्जी को ले आए, आप मुकुल रॉय को ले आए, आपका अपना नेता है कहाँ? आपके बच्चे कुछ एक दिलीप घोष जी हैं जो आए दिन जो है उल्टी पुल्टी बातें किया ममता करते हैं। पहले किस पार्टी में थी? ममता पहले किस पार्टी में थी? ममता किस पार्टी? ममता बनर्जी ने अपना पार्टी खड़ा किया था, पर पहले किस पार्टी में थी, किससे आई वो? पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी खड़ा किया था। बस दर्शकों को याद दिला रही थी और आपको भी।